नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। सितारगंज के रामलीला मैदान में आशा कर्मियों और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रामलीला ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि मांगे पूरी करने को लेकर नारेबाजी भी की। उत्तराखंड सरकार के न्यूनतम मानसिक मजदूरी 21,000, अस्पतालों में आशा कर्मियों के लिए अलग बैठने व उनके कार्य करने के लिए कमरे की व्यवस्था, दुर्घटना बीमा योजना के सम्मिलित किया जाने के लिए आशा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना और आशा कर्मियों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को तत्काल बहाल किए जाने की मांग को लेकर रामलीला मैदान में सांकेतिक धरना दिया। पहुँचाना चाह रहा है कि हमारे काम को देख के हमारे पैसा बहुत कम मिलता है और वो भी समय पे मिल नहीं पाता है। 3-4 महीने से हमें कोई पैसा नहीं मिला है। हमारी 21,000 रुपये की मांग है हर महीने की और कुछ ज़्यादा नहीं है। 21,000 भी हमारे काम को देखे हुए बहुत कम है। जितना हमसे काम लिया जा रहा है उतना हमारा पैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर है, हमारे भी पति है, वो भी हमसे हिसाब करते हैं, बात करते हैं, कभी गाली भी देते हैं हमें, हमें सब सुनना पड़ती है। उसके बावजूद भी हमें ये पैसा कुछ मानते हैं, हमें कुछ हमारा वो नहीं। अगर हम अभी मर जाएँ, हमारी दुर्घटना हो जाए तो उसका हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा कोई बीमा, हमारी बैठने की सही जगह नहीं है, किसी के सामने हर उसके सामने हमें ज़्यादा इस बात पर गिड़गिड़ाना पड़ता है, आंसर वो करना पड़ती है, किसी की नज़र हमारी वो नहीं है। तो इसलिए हम सरकारी बनना चाहते हैं और 21,000 रुपये की हमारी मांग है। हमें 21,000 रुपये मिलना चाहिए। बालिश्रम कानूनों को तोड़ करके कोडिफिकेशन करना शुरू किया है, उसके खिलाफ़ हम लोग यहाँ पर आज पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि 21,000 रुपया न्यूनतम वेतन होना चाहिए और जो पेंशन है वो 10,000 रुपया होनी चाहिए और मजदूरों को जो उनका सम्मान है वो मिलना चाहिए, आशा कर्मचारियों को और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और सरकार उनसे बदला मजदूरों की तरह काम देना बंद करे। ये हमारी मुख्य मांगें हैं और पूरे देश में जो सरकार मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के ऊपर NCRCA नाम के कानूनों के माध्यम से जो हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा कर रही है, हम चाहते हैं कि सरकार उसको रोके और उन सारी चीज़ों पर रोकथाम करे और ऐसी कोई भी आपदा देश के अंदर दोबारा न पैदा करे जैसी कि आपदा उसने नोटबंदी के समय पैदा की थी। और यही वो हालात हैं जिसमें अभी हम लोग पूरे देश के मजदूर सड़कों पर उतरे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों में इस तरह का स्थिर फ़र्क करने की इजाज़त भारतीय संविधान नहीं देता है और इसलिए हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, हमको न्यूनतम रोज़गार दिया जाए और कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार हमारे साथ ना हो।